हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुजीत जी पे स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे पता कर पाओगे, ये कैसे जान पाओगे कि आपको किसी ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि गाइस, नॉर्मली कभी कभी हम अक्सर ऐसा सोचते हैं और ऐसा जानना चाहते हैं व्हाट्सएप पर कि हम सामने वाले पर्सन को मैसेज भी ना करें और ये भी जान लें कि कहीं उसने हमें व्हाट्सएप पे ब्लॉक तो नहीं कर दिया है। गाइज, आजकल के टाइम पे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा भी हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं तो सीधा कोई हमें ब्लॉक ही कर देता है, और ब्लॉक करता है तो हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है इस टाइम पे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप सभी को कम्प्लीट यही बताऊंगा कि आप ये कैसे जान पाओगे बिना मैसेज किए कि आपको व्हाट्सएप पर किस किस ने, कौन कौन पर्सन ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है। तो गाइस, यदि आप भी चाहते हो ये जानना कि आपको व्हाट्सएप पे किसने ब्लॉक किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब की कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और बहुत ही कमाल का ट्रिक बताऊंगा जिसे आप एक सेकेंड में पता कर लोगे कि आपको व्हाट्सएप पे उसने ब्लॉक की है कि नहीं, मतलब किसने ब्लॉक किया है, सब कुछ आप बहुत ही आसानी से पता कर लोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुजीत जी। दोस्तों, ये मेरा चैनल तो नया है लेकिन मैं यूट्यूबर बहुत पुराना हूं। मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर था मेरे ओल्ड चैनल पे, मेरा एक पुराना चैनल भी था जो कि फिलहाल अभी उस पर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो मैं आप सभी को आगे भी देता रहूं। अब चलिए गाइज, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं गाइज अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे, और सारा चीज़ गाइज मैं आप सभी को लाइव दिखाता हूं कि आप कैसे पता कर पाओगे कि आपको व्हाट्सएप पर किसने ब्लॉक किया है। चलते हैं गाइज मोबाइल के होम स्क्रीन पे। कि गाइज, आप सभी यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर 2 स्मार्टफोन लिया है और दोनों में मैंने गाइज यहां पर व्हाट्सएप ओपन करके रखा हुआ है। गाइज मान लीजिए यहां पर आप व्हाट्सएप से किसी से बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, हाय हेलो वगैरह वगैरह कुछ भी बातें कर लेते हैं। यहां पर गाइज आपको पता करना है कि कोई पर्सन आपको ब्लॉक कर देता है तो ये आप कैसे जान पाओगे। तो गाइज मैं यहां पर आप सभी को लाइव करके दिखा देता हूं और इस ट्रिक को देखकर आप आसानी से पता कर लोगे कि आपको किस किसने व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है। यहाँ पर मान लीजिए ये वाला मोबाइल आपका है और ये वाला मोबाइल किसी दूसरे पर्सन का है। यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज करते हो सामने वाले पर्सन को, मान लीजिए गाइस सामने वाला पर्सन आपसे एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है और परेशान होकर क्या करता है, आपको नाम पर टैप करता है, नाम पर टैप करके यहाँ नीचे आता है और यहाँ से आपको ब्लॉक कर देता है। देख सकते हैं गाइज, यहाँ से आपको ब्लॉक कर दिया। अब गाइज जैसे ही आपको ब्लॉक करेगा तो वैसे भी इसका प्रोफाइल डीपी गायब था, जो ऑनलाइन शो हो रहा था वो गायब हो गया, ऑनलाइन शो हो रहा था वो गायब, सब कुछ गायब। अब यहाँ से गाइज आप कुछ भी मैसेज करोगे तो वो तो सामने वाले पर्सन के पास जाएगा नहीं, चूँकि इसने तो ब्लॉक कर रखा है, इस पर्सन ने आपको तो ब्लॉक कर रखा है तो मैसेज तो जाएगा नहीं। अब गाइज यहाँ पर आप कैसे पता कर पाओगे बिना मैसेज किए कि आप ब्लॉक हो कि नहीं? तो गाइज सबसे सिंपल ट्रिक, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ और इसे आप एक सेकेंड में पता कर लोगे। कैसे पता करोगे गाइस, ध्यान से देखो। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के व्हाट्सएप तो ओपन कर ही लेना है। व्हाट्सएप में जाएगा गाइस, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला बॉक्स, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर गाइस जो लिखा हुआ है न्यू ग्रुप, इस न्यू ग्रुप पर क्लिक कर दीजिएगा। न्यू ग्रुप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में चले जाइएगा और सर्च बॉक्स में जाने के बाद गाइज आप उस पर्सन का नाम सर्च कर लीजिएगा जिस पर आपको डाउट है कि कहीं उसने आपको ब्लॉक तो नहीं कर रखा है ना। तो गाइज मुझे चूंकि इस पर्सन पे डाउट है, इसने शायद कहीं मुझे ब्लॉक कर लिया होगा, तो मैं इसका नंबर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ये वाला फर्स्ट नंबर पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइज आपको ग्रुप का कुछ नाम दे देना है, कुछ भी नाम आपको दे देना है, जैसे मान लेता हूँ कुछ भी यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ और ग्रुप पर कुछ भी नाम देने के बाद यहाँ से आपको टिक कर देना है। ठीक है गाइज, यहाँ पर ग्रुप बन के क्रिएट हो गया। अब गाइज यहाँ पर देखिए, जब आप अपने मोबाइल में ग्रुप बना लोगे तो यहाँ पर जब ग्रुप बन जाएगा ना तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और नीचे आइएगा। देखिए गाइज इस ग्रुप में कितने पर्सन हैं, तो देखिए गाइज यहाँ पर दिखा रहा है कि 1 पार्टिसिपेंट ओनली यू, देख सकते हैं गाइज। यहाँ पर तो मैंने इस पर्सन को भी ग्रुप में ऐड किया था, यहाँ पर इस ग्रुप में मैंने इसको भी ऐड किया, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रुप में सिर्फ मेरा ही नाम दिखा रहा है जबकि इस पर्सन का नाम नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से गाइज आप आसानी से पता कर लोगे कि इसने आपको ब्लॉक कर रखा। अगर इसने आपको ब्लॉक किया है
तो ये ग्रुप में नहीं आएगा, और अगर इसने आपको ब्लॉक नहीं किया है तो वो ग्रुप में आ जाएगा। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर लाइव देखा गाइज कि मैंने इसको अभी ऐड किया तो वो इस ग्रुप में नहीं आया चूँकि इसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, और अगर ये मुझे ब्लॉक नहीं किया होता तो ये इस ग्रुप में आ जाता। मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा भी देता हूँ गाइज, मान लीजिए इस पर्सन ने मुझे यहाँ से अनब्लॉक कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर अनब्लॉक कर दिया। अब गाइज मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद यहाँ से मैं इस ग्रुप को भी डिलीट कर देता हूँ गाइज। देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर गया और इस ग्रुप को डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया गाइज। अब मैं इस पर्सन को फिर से ऐड करूँगा। देखिए गाइज यहाँ पर मैं क्लिक किया, न्यू ग्रुप पे क्लिक किया और इस पर्सन को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ग्रुप बना दिया, और ग्रुप का यहाँ से मैं मानता हूँ कुछ भी गाइज नाम दे दिया, ठीक है। देख सकते हैं गाइज मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, और जैसे ही ऐड किया तो गाइज देखिए यहाँ पर ग्रुप बन चुका है, इन्वाइट एक ग्रुप हो गया, ग्रुप का नाम बन गया। अब देखिए गाइज यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया इस पर्सन को कि ग्रुप बन चुका है। हम यहाँ पर ग्रुप के नाम पर भी क्लिक करके देख लेते हैं, देख सकते हैं गाइज यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर लिख चुका है ना ब्रदर, देखिए यहाँ पर लिख चुका है कि ये पर्सन इस ग्रुप में आ चुका है। तो गाइज इस प्रकार से आप सभी ने लाइव देखा कि कैसे ये पर्सन मुझे ब्लॉक किया था, तो मैंने यहाँ पर आसानी से पता कर लिया कि इस पर्सन ने मुझे ब्लॉक किया है या नहीं। आपको सिंपली करना क्या है, अपने व्हाट्सएप में जाना है, ग्रुप बनाना है और ग्रुप में उस पर्सन को ऐड कर देना है जिस पर आपको डाउट हो कि वो ब्लॉक किया है कि नहीं। अगर वो पर्सन उस ग्रुप में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने ब्लॉक नहीं किया है, और अगर वो पर्सन उस ग्रुप में नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। तो किस प्रकार से आप सभी ने लाइव देखा कि मैंने आसानी से ये पता कर लिया कि मुझे व्हाट्सएप पर किस पर्सन ने ब्लॉक किया है। इस प्रकार से गाइज आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर कौन कौन पर्सन ब्लॉक किया है। सिंपली करना ये है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए और जिस भी पर्सन पर डाउट हो आपको, जिस पर आपको लगता है कि आपको वो ब्लॉक किया है, उसको ग्रुप में ऐड कर लीजिए। अगर वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा, अगर आ जाएगा उस ग्रुप में, तो यानी उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है, और अगर वो ग्रुप में ऐड नहीं होगा, नहीं शो करेगा, नहीं दिखाई देगा, यानी उसने आपको ब्लॉक किया है। दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूँ। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और कुछ हमसे बात करना हो तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में किसी नए धमाकेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुजीत जी चैनल को।